सौम्या, स्वागत करते हैं आप सभी का तरुणास अकेडमी पे। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी है अरविंद केजरीवाल जी को। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली बेल दे दी है। सुप्रीम कोर्ट हैज ग्रांटेड बेल टू अरविंद केजरीवाल। आइए इसके ऊपर चर्चा करते हैं, जानते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट रेलेवेंट आज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये टॉप मोस्ट स्टोरी है, टॉप मोस्ट हेडलाइन है, आप देख सकते हैं। एक घंटे पहले, 39 मिनट पहले, 43 मिनट पहले, कुल मिला के सुर्खियों में जो है ये चर्चा बनी हुई है। आप सभी को पता है दिल्ली यानी कि आपके जो कैपिटल है भारत की, न्यू दिल्ली, दिल्ली, उसके जो है सीएम है अरविंद केजरीवाल, यानी कि चीफ मिनिस्टर के पद पर अभी भी कार्यरत हैं। अब यहाँ पे इनको दिल्ली लिक्वर केस के तहत पकड़ लिया गया था। अभी हम लोग चर्चा करेंगे क्या ये केस था, कितने दिनों से ये जेल में बंद थे और अब फाइनली जो है ये बाहर आ गए हैं। अरविंद केजरीवाल के में भी अरविंद केजरीवाल के बारे में भी हम लोग जानेंगे, क्या इनकी एजुकेशन रही, क्या इनका पॉलिटिकल करियर रहा, यानी पूरे इस वीडियो में जो है डिटेल डिस्कशन यहाँ पे आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, केजरीवाल जी जो है अब फाइनली जेल से बाहर आ चुके हैं। आज के 6 महीने पहले केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया था। सबसे पहले इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के द्वारा जो है पूछताछ जारी की गई थी। दरअसल इनके ऊपर इल्जाम लगाया था कि दिल्ली लिक्वर केस के रिगार्डिंग जो है इन्होंने लगभग 100 से भी ऊपर करोड़ का घपला किया है, ठीक है। तो ऐसा इल्जाम इनके ऊपर लगाया गया था, जिसके बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो है लगातार इनके साथ पूछताछ कर रही थी। ये सिलसिला जो है 6 महीने, आज के 6 महीने पहले शुरू होता है। अब जैसे इन्फोर्समेंट यानी कि ईडी इनसे पूछताछ कर रही थी, पूछताछ के दौरान ईडी ने इनको बुलाया पर ये जो है नहीं पहुंच पाए, यानी कि इन्होंने जो है ईडी के समन को इग्नोर कर दिया। अब जैसे इन्होंने ईडी के समन को इग्नोर किया, ईडी जो है इनके घर तक आ गई और इनको उठा के ले गए। अब इनको उठा के ले गए और उसके बाद ये केस जो है सीबीआई के पास ट्रांसफर हो गया। तब से जो है फिर उसके बाद पुलिस कस्टडी हो गई, तब से जो है ये जेल में बंद। यानी केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया था ईडी के द्वारा, फिर उसके बाद पुलिस कस्टडी में जो है चले गए थे। और किस एक्ट के तहत इनको 21 मार्च को अरेस्ट किया गया था। 21 मार्च को जो है वो तारीख थी 21 मार्च 2024, जब अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया गया। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत जो है इनको अरेस्ट किया गया। सीबीआई ने इनको अरेस्ट किया, उसके बाद 21 मार्च से और 25 जून तक जो है ये ईडी की हिरासत में रहे थे, ईडी की कस्टडी के अंतर्गत थे। उसके बाद जो कस्टडी थी वो 26 जून से ही जो है फाइनली सीबीआई को ट्रांसफर कर दी गई, ठीक है। अब अरविंद केजरीवाल जी को फाइनली अब जाके, यानी कि आज है आपकी 13 सितंबर, तो आज जाके इनको बेल मिली है। अब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इनको बेल ग्रांट कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट सेड दैट देयर इज नो इंपीडिमेंट इन अरेस्टिंग अ पर्सन ऑलरेडी इन कस्टडी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अब जो है इनको अरेस्ट करने का फर्दर मतलब नहीं बनता है। Notably, the CBI had arrested Kejriwal when he was still in the judicial custody. ठीक है, तो यहाँ पे ये सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है। जस्टिस अभियान ने साफ तौर पे बोला है कि ऐसा लगता है कि ओवरऑल इनको जो है एक बेल जो है वो दे देनी चाहिए। और यहाँ पे सीबीआई जो है काफी ज्यादा एक्टिवली जो है इस पूरे केस में पूछताछ करी है। सीबीआई ने काफी ज्यादा जो है अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुआ है, बट कोई भी ऐसा अभी तक पुख्ता नहीं सबूत पाया गया है, जिसके बाद और एक लंबे समय से जो है ये अंदर भी है। तो इसीलिए अब जो है वो इन्हें बेल दे देनी चाहिए। ओवर 22 मंथ्स हो चुके हैं, ठीक है। चलिए, अब साथ ही साथ सीबीआई को भी जो है कोर्ट ने कहा है कि डिडंट फील नीड टू अरेस्ट ओवर 22 मंथ्स। तो सच एक्शन रेजेस क्वेश्चन ऑन अरेस्ट इटसेल्फ। अब इनके अरेस्ट पर भी जो है कुछ सवाल उठाए गए हैं कि भाई जो है अरेस्ट पर सवाल उठाए गए हैं, बेसिक सवाल उठाए गए हैं कि आपने जो है ऐसे कैसे अरेस्ट कर लिया जब आपके पास जो है अभी तक पुख्ता सबूत ही नहीं है, ठीक है। तो दिल्ली लिक्वर एक्सरसाइज केस में जो है दरअसल इनको हिरासत में ले लिया गया था। बात यह है कि केजरीवाल और उनकी जो आप पार्टी है, ठीक है, आम आदमी पार्टी, जिसकी जिसका जो है आप अध्यक्ष हैं अरविंद केजरीवाल, और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, सीएम भी हैं, ओके। सो अब जो है आप देख सकते हैं कि 100 करोड़ का इनके और इनकी पार्टी के ऊपर करप्शन का चार्ज लगाया गया था कि लगभग 100 करोड़ से ऊपर का जो है इन्होंने घपला किया है। अब इसी के साथ ये भी कहा गया कि इन्होंने जो पेमेंट्स हैं वो साउथ के ग्रुप को, जो कि लेड करते हैं बाय बीआरएस लीडर के कविन था, उनको जो है वो ट्रांसफर करी है। कुछ लाइसेंस जो है इन्होंने लीगली तरीके से उनको दिए हैं। तो ईडी और सीबीआई ने इस तरीके से यहाँ पे जो है
आप पार्टी के जो फंड्स हैं, जहां से आप पार्टी को फंड्स आते हैं, उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन किया, ताका झाकी करी, सब कुछ यहाँ पे चीजें चली, ठीक है। 2022 के जो गोवा असेंबली के चुनाव थे, ये पूरी प्रक्रिया जो है, माना जा रहा है कि उस समय की ये पूरी प्रक्रिया है, पर फाइनली आज यानी कि फ्राइडे को सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी है, बेल इनको ग्रांट कर दी गई है टू दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल करप्शन के केस में, विच इज लॉज्ड अगेंस्ट हिम बाय द सीबीआई इन कनेक्शन विद द एक्साइज पुलिस स्कैम केस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भुवन, ये दोनों ही जो है यहाँ पे ओवरऑल इन्होंने कहा कि अभी के अभी जो है इनके खिलाफ ट्रायल बंद किया जाए और इनको बेल दी जाए विद इमीडिएट इफेक्ट। तो अब इनको बेल मिल चुकी है, तो यहाँ पे बेहद एक खुशी का माहौल अरविंद केजरीवाल के लिए, जो कि एक बहुत लंबे समय से सरहापों के पीछे थे, यानी कि जेल की सजा जो है वो काट रहे। अब बेंच हैज डायरेक्टेड दैट हैज टू बी रिलीज्ड। अब यहाँ पे इन्होंने बेल बॉन्ड जो है वो भरा है, 10 लाख रुपए जो है इन्होंने के आसपास इन्होंने सबमिट करे हैं, और इसके बाद इनको फाइनली बेल जो है वो ग्रांट कर दी गई, ठीक है। सो ही सेड दैट एविडेंट दैट सीबीआई डिड नॉट फील द नीड एंड नेसेसिटी टू अरेस्ट द केजरीवाल ओवर 22 मंथ्स, यानी कि अब जो है फाइनली सीबीआई को फाइनली अब जो है इनकी अरेस्ट करने की फर्दर जरूरत नहीं है, तो एक रेगुलर बेल का जो प्रावधान है इनको दे दिया जाए और बेल इनको ग्रांट कर दिया जाए, तो यही यहाँ पे किया गया है। अब चलिए इनको जानते हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में कि अरविंद केजरीवाल कौन है, और जैसे मैंने कहा ये दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो ये जो है क्या ये पॉलिटिकल फैमिली में पैदा हुए थे या एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए थे, तो आइए इनके बारे में चर्चा करते हैं। अरविंद केजरीवाल जो है, इनका जन्म हुआ था 16 अगस्त 1968 को। ये फिलहाल एक इंडियन पॉलिटिशियन है, एक्टिविस्ट है, साथ ही साथ फॉर्मर ब्यूरोक्रैट भी रह चुके हैं, यानी कि काफी पढ़े लिखे जो है ये व्यक्ति है, ठीक है। साथ ही साथ ये इन्होंने जो है 7th और अभी भी जो है ये करंट सीएम है, चीफ मिनिस्टर है दिल्ली के, 2015 से ही जो है ये सीएम के पद पर कार्यरत। इनकी पहली टर्म जो है वो शुरू होती है 2013, यानी 2013 का चुनाव इन्होंने जीता, उस समय शीला दीक्षित को इन्होंने हराया, पर इन्होंने जो है एक साल ही उस पद को होल्ड रखा, उसके बाद रिजाइन दे दिया, फिर फाइनली लोगों ने इनको फिर से जिताया बहुमत से, ठीक है। अब आम आदमी पार्टी के भी ये प्रेसिडेंट हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है ये चुनाव लड़ते हैं। ओवरऑल ही रिप्रेजेंटेड द न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली सिंस 2015, 2013, 2014। अब इसी के साथ 2006 में अरविंद केजरीवाल को रामसे मैग्सेसे अवार्ड भी मिल चुका है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है एक परिवर्तन मूवमेंट को ज्वाइन किया। ये परिवर्तन मूवमेंट क्या था? राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी कि सभी चीजों के बारे में जानकारी देना, ये पूरा ये मूवमेंट शो करता था। अब देखिए जब ये मूवमेंट लीड हुआ था तो सभी बहुत मास स्केल पर इस बात की इंफॉर्मेशन स्प्रेड हुई थी कि भाई राइट टू इंफॉर्मेशन जो है, यानी आरटीआई का जो अधिकार है वो तो पूर्ण रूप से लोगों के पास है। तो इस तरीके का जो पूरा कैंपेन था उसको शुरुआत की गई थी। अब इसी के साथ साथ आफ्टर रिजाइनिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विस, उसके बाद इन्होंने अपनी गवर्नमेंट सर्विस यानी कि ये आईआरएस के पद पर कार्यरत थे, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में ये थे, पर इन्होंने जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया, एंड फाइनली इन्होंने पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना करी, जिसके बाद इन्होंने जो है यहाँ पे कुछ साल बतौर आईआरएस सर्व किया, बट उसके बाद जो है इन्होंने रिजाइन दे दिया अपनी पोस्ट से, यानी कि अपनी सरकारी नौकरी को छोड़ के। अब देखिए इन्होंने जो है आईआईटी खड़गपुर से पढ़ाई करी, अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है इन्होंने आईआईटी खड़गपुर से इन्होंने जो है पूरी करी है। 2012 में इन्होंने अपनी पार्टी ऑर्गेनाइज यानी कि लॉन्च करी, आम आदमी पार्टी एएपी। 2013 में जो है ये सीएम बन गए दिल्ली के, यानी कि मुख्यमंत्री के रूप में जो है ये सामने आए। उसके बाद मात्र 49 डेज में इन्होंने रिजाइन कर दिया। क्यों? क्योंकि लोगों ने बहुमत से नहीं जिताया, जिनके पास जिनके बाद इन्होंने बोला कि उतनी पावर नहीं है कि हम जो है बदलाव ला सके, फिर इन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद लोगों ने दोबारा से इनको बहुमत से जिताया, यानी आप समझ सकते हो कि ही इज अ पीपल्स लीडर, जिसने लोगों का विश्वास जीत लिया, बस उसे जो है और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 2015 में दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में वापस से जो है चुनाव होते हैं, 2015 से 2020, 20 से 24, अभी तक जो है ये सीएम के पद पर बने हुए हैं, सीएम के पद पर कार्य। अब इनके अर्ली लाइफ के बारे में कुछ जान लेते हैं कि भाई किस फैमिली में इनका जन्म हुआ, कैसे कैसे इन्होंने परेशानियों का सामना किया। दरअसल जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक अग्रवाल यानी कि बनिया फैमिली में जो है इनका जन्म हुआ, और भिवाड़ी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में जो है अरविंद केजरीवाल रहने वाले हैं। 16 अगस्त 1968 में इनका जन्म होता है, और ओवरऑल इनके माता पिता के 3 बच्चे हैं, जिसमें से अरविंद केजरीवाल भी उनके एक
यानी कि सबसे बड़े बेटे हैं, ठीक है, अरविंद केजरीवाल। अब इनके जो फादर है मैकेनिक, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, जिन्होंने ग्रेजुएट बिरला यानी कि BIT बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा से की थी। और अरविंद केजरीवाल ने अपना ज्यादातर जो बचपन है वो कहाँ पे काटा, कहाँ पे गुजारा, सोनीपत में, गाजियाबाद में और हिसार में, तो इन जगहों पर उन्होंने मैक्सिमम अपना बचपन के दिन गुजारे। उसके बाद उनको जो है कैंपस स्कूल हिसार में उन्होंने एडमिशन लिया, होली चाइल्ड स्कूल सोनीपत में उन्होंने एडमिशन लिया। उसके बाद 1985 में IIT JEE का एग्जाम दिया, ऑल इंडिया रैंक 563 अचीव करी और IIT खड़गपुर में एडमिशन ले लिया, यानी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन्होंने IIT खड़गपुर से करी। उसके बाद क्या था, बस वहीं से ही उड़ान अरविंद केजरीवाल की शुरू हो गई। कुछ साल उन्होंने जो है बतौर मैकेनिकल इंजीनियर काम किया, उसके बाद गवर्नमेंट सर्विस के लिए जो है UPSC जैसे टफ एग्जाम की प्रिपरेशन करी, और मात्र एक साल में यानी एक अटेम्प्ट में जो है उन्होंने UPSC का एग्जाम भी पार कर दिया। IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज जो है उनको अलॉट हुआ और उन्होंने बतौर IRS काम किया। He joined Tata Steel in 1989. Tata Steel सबसे पहले उन्होंने ज्वाइन किया और कुछ साल जो है जमशेदपुर बिहार में उनकी पोस्टिंग रही, तो वहां पे बतौर कार्यरत रहे। उसके बाद केजरीवाल ने रिजाइन कर दिया 1992 में। उसके बाद उन्होंने जो है पढ़ाई करी, सिविल सर्विसेज एग्जाम की, उसके बाद सिविल सर्विसेज एग्जाम दिया, फाइनली IRS बन गए और आप देख सकते हैं उसके बाद गवर्नमेंट जॉब से भी रिजाइन कर दिया और अब जो है बतौर CM के पद पर कार्यरत है अरविंद केजरीवाल। तो देख सकते हैं आप इनकी लाइफ, मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली में बॉर्न एंड ही इज एन अचीवर इन एजुकेशन, ही इज एन अचीवर इन पॉलिटिक्स, ही इज अचीवर ओवरऑल इन एनी फील्ड दैट ही हैज एंटर्ड। ये थे अरविंद केजरीवाल और एक खुशखबरी दिल्ली वासियों के लिए, इनके लिए, हम सब के लिए कि अरविंद केजरीवाल फाइनली उनको बेल मिल चुकी है और अब जेल के बाहर है। चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच एंड अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।